पागलपन क्या है, किस चीज़ के लिए है पागलपन? अपने लक्ष्य के प्रति भी कोई पागलपन होता है या फिर किसी व्यक्ति के प्रति कोई पागलपन होता है? लेकिन गाइस, आज का जो पागलपन है वो निर्धारित है आपके लक्ष्य के प्रति। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने पागलपन हो सकते हो, कैसे बन सकते हो, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो पागलपन बहुत तरीके का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पागलपन खतरनाक होता है गाइस उस व्यक्ति में जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल होता है, जो दुनिया की फिक्र नहीं करके अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति इतना फोकस करता है। वो पागल हो जाता है कि जब तक मैं वो लक्ष्य को प्राप्त न कर लूँ तब तक मैं रुकूँगा नहीं, और वो रुकता भी नहीं है। तो ऐसा पागलपन आप अपने अंदर कैसे ला सकते हैं गाइस? इसका सही आंसर है डिसिप्लिन। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके, मान के चलो कि आपको 4 बजे उठना है, तो ये आपको उठना ही होगा बेड पर से। बहुत आलस आएगी कि नहीं मैं छोड़ दूंगा बीच में ही, मैं आधा एक घंटा और सो लेता हूँ, लेकिन अपने जो आपने एक बार जो कह दिया अपने आप से वो आपको करना है, यही होता है पागलपन। और हाँ गाइस, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पागल बनना बहुत ज़रूरी है गाइस। दुनिया वालों का कुछ भी नहीं हो सकता, दुनिया वाले कहते ही रहते हैं, दुनिया वाले ताना मारते ही रहेंगे, लेकिन जब आप उभर कर आप एक व्यक्ति बन जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, तो यही दुनिया वाले आपके प्रति गाइस सिर झुकाएंगे, आपके आगे सर झुकाएंगे ये दुनिया वाले, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और लक्ष्य प्राप्त करते समय बहुत बाधाएं आती हैं जीवन में, बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन उनसे जो है हमें ऊपर उठ के उसका सामना करना पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे लोग आएंगे आपको नीचे गिराने, लेकिन आपको नीचे गिरना नहीं है, आपको डट के उनका सामना करना है दोस्त। क्योंकि गाइस, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके कामयाबी को देखकर जलते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हो तो उस टाइम आपको पीछे करने के लिए बहुत लोग आते हैं और आप उनका सामना नहीं कर पाते हो। लेकिन ये बात आप अपने मन में ज़रूर रखना बात, जो कामयाब व्यक्ति होते हैं उन्हीं की बुराई लोग करते हैं, जो उनसे आगे जाते रहते हैं उन्हीं लोगों की बुराई करने में लोग लग जाते हैं, नाम होने लगता है, उसको बदनाम करने का कोशिश सब लोग पूरा तरीके से करते हैं गाइस। ये बात आप जान जाओ, जिसका नाम आगे उठते लगता है तो उसको नाम को मिटाने के लिए बहुत लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, जब तक मैं ये इस काम को पूरा नहीं करूँगा तब तक कितनी भी बाधाएं आ जाए उसका मैं सामना हंसते हंसते करूँगा। आपको बस एक बात ध्यान रखना है, अपने मन में आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मैं इसी वीडियो के बाद आपको मेडिटेशन का फ़ायदा आपको बताऊँगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो भी बोला हूँ गाइस उस पर अमल ज़रूर करना। आप दुनिया को करके दिखा सकते हो, आप में वो काबिलियत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है गाइस, ये बात हमेशा याद रखना। एक ही तो ज़िंदगी मिली है गाइस, इसमें भी कुछ बड़ा नहीं करें तो क्या करें, ये बात हमेशा याद रखना। और हाँ गाइस, अगर आप अकेला महसूस करो तो हमारी वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके अंदर जो आग है गाइस उसे लाने का काम हम लोग करेंगे। तो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।